हिमाचल प्रदेश में सभी राजनीतिक दल चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी सतपाल सिंह सत्ती ने MH1 प्राइम से खास बातचीत की है और विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों को लेकर बात की। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। हिमाचल में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। ऊना में मैं हूं और यहां से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती मेरे साथ हैं। इस बार बीजेपी की तरफ से चुनाव भी लड़ रहे हैं, बातचीत करेंगे। सत्ती जी, फिर वही चुनावी मौसम आ गया है, क्या है इस बार ऊना के लोगों के मन में? आप तो जा रहे हैं सब जगह, टटोला गया आपने। भारतीय जनता पार्टी का अच्छा माहौल है और पिछले 5 वर्षों में जो काम हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार के सहयोग से विकास की दृष्टि से किया, उससे लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा से रिपीट होनी चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट के काम, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम अनेकों हैं जो पिछले 5 वर्षों में ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर आए हैं। तो उस दृष्टि से हमारा मुद्दा भी मूल विकास का ही है और उस दृष्टि से मुझे लगता है कि जनता हमें सपोर्ट करेगी, सहयोग करेगी और भारतीय जनता पार्टी को जैसे हिमाचल में जिताएगी, वैसे ही ऊना विधानसभा क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी जीत करके जाएगी। पिछली बार मैंने देखा था कुछ मार्जिन रह गया था, तो जो कमियां रह गई थी वो क्या कमियां थी और इस बार कैसे पूरा कर रहे हैं? कोई भी हार और जीत कमी से नहीं होती है और मुझे लगता है कि अनेकों कमियां होंगी, कुछ अपनी व्यक्तिगत कमियां होती हैं, कुछ और अन्य कमियां रह जाती हैं। तो उस दृष्टि से कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसी कमियां ना रहें। तो सब लोग लगे हैं, कार्यकर्ता लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं और अपना जो आम पढ़ा लिखा समाज है, नौजवान साथी हैं, मातृशक्ति है, बुजुर्ग हैं, वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम जी ने ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर केंद्र और प्रदेश के प्रोजेक्ट्स को मिलाकर के अगर हम लोग हिसाब लगाएं तो 2036 करोड़ रुपए के काम ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम लोगों ने किया है। वो आंकड़ा हमारे पास गांव अनुसार है और हर प्रोजेक्ट्स के अनुसार कितना पैसा लगा, ये हमारे पास आंकड़ा है। प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आए थे, तो उसका कितना असर पड़ेगा? प्रधानमंत्री जी का तो असर रहता ही है, आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी की अपील को लोग मानते हैं और उस दृष्टि से, और उन्होंने काम भी किए हैं, भलकडक पार्क का मामला हो, PJ सैटेलाइट हॉस्पिटल हो, IIIT का इंस्टीट्यूशन ऊना के अंदर 124 करोड़ का हो और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो हिंदुस्तान के अंदर चौथी है उसका मामला हो, तो ये सारे काम ऊना की जनता को अपील करते हैं। और अगर मोदी जी देश के अंदर नहीं होते तो मुझे लगता है शायद ये काम हिमाचल प्रदेश के अंदर, ऊना के अंदर शायद नहीं होते। एक हम देख रहे थे कई चीजें नशे का कह रहे थे कि यहाँ पे मुद्दा है, दूसरा बेरोजगारी का मुद्दा है, तो वो किस चीजें कम होगी? नशा किस तरह का पंजाब से टच है, इसकी वजह से पहुंच रहा है या अन्य कोई मुद्दा? ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जगह जगह नशे का व्यापार करने वाले लोग खड़े हो गए हैं और आप लोग देखते होंगे अब तो जो चिट्टा है वो पहाड़ों के अंदर भी पकड़ा जा रहा है लोगों के पास, और हिमाचल बॉर्डर एरिया होने के कारण जहाँ कई बार शराब की अवैध सप्लाई और इस तरह के जो नशीले पदार्थ हैं और कई बार जो ऐसे कैप्सूल जिसके कारण, नशे के कारण बच्चे तबाह हो रहे हैं, वो पकड़े जाते हैं पूरे हिमाचल में और ऊना में भी पकड़े जाते हैं, ऊना जिला में भी पकड़े जाते हैं। तो जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारी, ऐसी चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट्स कोशिश करती हैं कि उनको पकड़ा जाए, लेकिन सारी चीज़ों में आप जानते हैं कि ऐसा बहुत बड़ा एक ऐसा नेक्सस होता है इन लोगों का जो कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों के ऊपर काम करता है और उसके कारण माँ बाप तो परेशानी में है ही हैं और बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। तो उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की तो हमेशा जीरो टॉलरेंस रहती है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको पकड़ना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है और हमने पकड़ा है उन लोगों को, अनेक लोगों के चलान भी किए, वो चाहे माइनिंग से संबंधित बातें हों, वो चाहे ऐसे नशों के सौदागरों की बातें हों, कुछ एक ऐसे असामाजिक तत्वों के साथ मिले हुए लीडर्स रहते हैं, कुछ ऐसे समाज के अगुआ लोग रहते हैं जिनका अपना स्वार्थ उनके साथ जुड़ा होता है, वो लोग कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट देते हैं जिसके कारण वो धन बनाते हैं। तो लेकिन हम लोगों ने जीरो टॉलरेंस इस मामले में रखी है और कभी ऐसे समाज असामाजिक तत्वों को कभी संरक्षण हमारी ओर से, पार्टी की ओर से या हमारी ओर से नहीं मिला। इलेक्शन में टिकट अनाउंस हुए उसके बाद देखा गया कई बागी भी आ गए और कहा गया कि हम आजाद खड़े होंगे, कईयों ने नामांकन वापस ले लिए, कईयों ने नहीं लिए, तो कितनी बड़ी चुनौती
जो रूठे हुए हैं उनकी वजह से चुनाव में उठाने पड़े। अगर कहीं भी कोई भाग्य किसी पार्टी का होता तो उस पार्टी को नुकसान तो होता ही है। मैं भी देख रहा था कल विड्रॉल थी, उस विड्रॉल के बाद काफी लोग भारतीय जनता पार्टी के भी और काफी लोग कांग्रेस पार्टी के भी अभी भी बागी हैं। जो पार्टियों के अंदर एक ट्रेंड हो गया है, कार्यकर्ताओं का एक ट्रेंड हो गया कि अगर उनको टिकट मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर उनको टिकट ना मिले तो गलत बात है। तो ऐसा समय समय के ऊपर ये हो रहा है, पार्टी के विचारों के प्रति कमिटमेंट और पार्टी के काम के प्रति कमिटमेंट कहीं ना कहीं कम हो रही है। इसके ऊपर हम सब लोगों को विचार करने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाएं, ऐसी परिस्थितियां ना आए। कोई भी कार्यकर्ता टूटे ना, ये जरूरी रहता है पार्टी को जिताने के लिए, और जहां ऐसी दिक्कत आती है वहां पर पार्टी को उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ता है। तो धन्यवाद से बात करने लिए। ये मेरे साथ थे सतपाल सिंह सत्ती, चुनाव मैदान में हैं, पिछली बार कम मार्जिन से हारे थे और प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं बीजेपी के, और इनका कहना है कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं उनको देख करके जनता वोट डालेगी। ऊना से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MHB न्यूज।